जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम लड्डू गोपाल जी तो सबके घरों में होंगे ही। जब भी उनको स्थापित करना है हमें उससे पहले 4 दिन चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को गढ़ लाएँ, फिर उनकी आंखों में ऐसे पट्टी बांध दें लाल वस्त्र से। उसके बाद एक पात्र लें जिसमें लड्डू गोपाल जी आ जाए। पहले दिन हमें क्या करना है, कोई भी अनाज लेना है। मैंने ये चावल ले लिए, इसमें मैं इनको रखूँगी। पहले लड्डू गोपाल जी को इसमें रखेंगे बहुत ही प्यार से, क्योंकि ये बाल स्वरूप होते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। ये देखिए मैंने इनको इसमें रख दिया है। अब बहुत ही ध्यान से इसमें ऐसे अनाज डालें धीरे धीरे। इस तरीके से अनाज में ढकने के बाद फिर ऐसे लाल वस्त्र लें, उससे उनको ढक दें। फिर अब इसके आगे की विधि कल करेंगे हम। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 2रा दिन है। आज हम अपने कान्हा जी को अनाज में से निकाल लेंगे और सब्जियों में रखेंगे। जय जय श्री राधे। ये देखिए हमने लड्डू जी को बिठा दिया, अभी हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। ध्यान से रखनी है, कान्हा जी को लगनी नहीं चाहिए। आज हमारे लड्डू जी रहेंगे सब्जियों में और अभी हम इसको उसी तरह से लाल वस्त्र से ढक देंगे। फिर पुनः कल इनको यहाँ सब्जियों में से निकाल के फिर इनको फलों में रखा जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है 3रा दिन। आज हम अपने लड्डू जी को सब्जियों में से निकालेंगे और फलों में रखेंगे। ये आ गए हैं फल। कान्हा जी को ऐसे इसलिए रखते हैं इनको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए। 4-5 दिन में अलग अलग वस्तुओं में रख के, अनाज में, फल में, सब्जियों में, फिर आखिर में सबसे लास्ट में जन्माष्टमी का दिन होता है उस दिन ये फूलों में होते हैं, फूलों में से इनका जन्म होता है। ऐसे ही ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर प्राण आते हैं। और जब हम इनकी आंखों की पट्टी उतारेंगे, इनके सामने इनको आईना दर्पण दिखाएंगे कि जो प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं वो सारी एनर्जी, आप कह लो पावर कह लो, वो इनके अंदर ही रहे। ये देखिए हमने फिर सब्जियां निकाल के इनको फिर बिठा दिया यहाँ पे। अब इसमें हम फल डालेंगे। ये देखो जी, ये हमने ढक दिया फलों से, कान्हा जी नहीं दिखाई दे रहे। अब इनको फिर उसी प्रकार से हम लाल वस्त्र से ढक देंगे जैसे पहले 2 दिन ढके, फिर कल हम इनको फूलों में रखेंगे। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी को लेकर मैं कुछ तैयारियां कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये कलर्स लिए हैं। आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे कलर्स किस लिए लिए हैं। मैं मार्केट से लाई थी, ये मटके लाई थी, ये प्लेट है और छोटे भी हैं, इस साइज़ के भी हैं। इनको
इनके ऊपर मैं ये पेंट करूँगी वाइट कलर का, और देखती हूँ पेंट से डेकोरेट करती हूँ या कुछ और फैब्रिक लगाती हूँ या रिबन लगाती हूँ, कुछ करती हूँ। इसको वाइट कलर का पेंट करूँगी, फिर ड्राई होने के बाद ये जो मटकी है इसको मैं भोग के लिए यूज़ करूँगी, जैसे कान्हा जी का माखन मिश्री का भोग हो गया, दूध का हो गया। हो गई ये पेंट, ये देखती हूँ इसको पेंट कर दिया। ऐसे ही मैं दूसरी मटकी भी पेंट करती हूँ, इसको रख देती हूँ सूखने के लिए। मेरे को तो खुद से तैयार करना अच्छा लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, रेडीमेड लेना अच्छा लगता है कि खुद से बनाना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने रात को क्या तैयारी की थी। ये मटकियाँ मैंने सूखने के लिए रख दी हैं, ये जो होते हैं ना साइड पे गोल पिल्लो, ये वो कवर सिले हैं मैंने दोनों साइड पे रखने के लिए, और ये पिल्लो का कवर सिला है और ये गद्दे का कवर सिला है। इसके इन सब के अंदर अब मैं कॉटन फिल करूँगी। ये देखो ये कान्हा जी की बेडशीट मैरून कलर की लेस लगा के मैंने तैयार करी है। ये मैंने गोल पिल्लो बनाए हैं, ये देखो, और ये दूसरा तकिया सिर के नीचे रखने वाला, और इसमें अभी कॉटन फिल करनी है। इसमें कर दी थी दिखाने के लिए, इसमें भी इसी तरीके से कॉटन फिल करेंगे। नीचे गद्दा रखेंगे, गद्दे के ऊपर ये चद्दर बिछाएंगे, और ये चद्दर के ऊपर ये है हमारा तकिया और ये कुशन। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। ये अपने दूसरे मंदिर के लिए दोनों के लिए सेम टू सेम बनाए मैंने। ये मेरे पास एक टोकरी थी, उसको मैंने इस कपड़े से पूरा कवर किया, इसके अंदर सिल दिया, इसके अंदर गद्दा रखेंगे। इसको आप बेड भी बना सकते हैं और सिंहासन भी बना सकते हैं। मेरा दिल है इसके ऊपर वो छत्तर सा लगाने का, उसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने ये टोकरी ली है, इसको कवर करूँगी और इसको ऐसे हैंगिंग टाइप बनाऊँगी अगर बना तो, अदरवाइज इतना हो गया। ये भी मेरे को लग रहा है कि कैसे हो गया।